वैसे मैं तुम्हारे कितने काम आ रहा हूँ, तुम्हें गड्ढे में गिरने से बचाया, तुम्हारे लिए कड़क चाय का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए न्यू ईयर पासेस अरेंज किए। वैसे मुझे लग रहा है इस केस को सॉल्व करने में भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने केसेस खुद हैंडल करती हूँ। लेकिन इस वाले में मेरी मदद की जरूरत होगी। देखते देख लेना। न्यू ईयर पार्टी में ऐसे जाओगे? इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी ये ड्रेस चीख चीख के कह रही है कि हाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर एक क्रिमिनल को पकड़ने आई हूँ। क्या तुम चाहती हो सबको पता चल जाए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? लड़कियों की तरह ड्रेस करो। देखिए, मुझे पता है कहाँ के लिए कैसे तैयार होना है। मैं अभी राउंड मारने के लिए जा रही हूँ अपने एरिया में और आप मुझे होटल ग्रैंड में डायरेक्टली मिलिए। एक्सक्यूज मी, नाउ व्हाट? लेट मत होना। मुझे दो तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, एक जो बहुत जल्दी आती है और दूसरी जो बहुत देर से आती है। आयशा, होटल ग्रैंड की न्यू ईयर पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ आए सेलिब्रिटीज को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हुई है। Hi, hello. Okay. So smile. मैं जानता हूँ तुमने ये आज तक नहीं किया होगा, पर प्लीज आज मेरे साथ कर लो। क्या? वही जो तुम्हारे जैसी लड़की सपने में भी नहीं कर सकते। मतलब? प्लीज मेरे लिए आज एक स्माइल। Thank you. आप इस पूरी भीड़ के हिस्से की स्माइल खुद कर रहे हैं, मेरी स्माइल की तो जरूरत ही नहीं। सर, आपके साथ ये लड़की कौन है? क्या ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है? क्या सोनिया बख्शी के साथ आपने ब्रेकअप कर लिया है? भाई शपथ, गलती हो गई, मुझे आपके साथ यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती जिसका नाम मेरे साथ जुड़ता ना, खुशी की माने मर जाती। मैं उस टाइप की बेवकूफ नहीं हूँ। प्लीज, किस टाइप की बेवकूफ? और जिस भी टाइप की हो ना, तो मेरी टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं भी तो जरा जानू आपका टाइप है क्या। क्यूरियस? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। Sure. कशनी, मैं कशनी को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, I'm sure वो आदमी गजनी था। मुझे हर हालत में उसे पकड़कर उससे उगलवाना होगा कि वो लोग इस पार्टी में क्या करने वाले हैं। इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है। यकीन नहीं होता, कल तक जो लोग एक दूसरे का गला तक काटने को तैयार थे, वो लोग आज साथ में मिलके पार्टी कर रहे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब एक सो कॉल्ड ऑनेस्ट जर्नलिस्ट इतने आसानी से बिक गई थी। मैं सच का साथ देना चाहती हूँ, सो एसीपी देशमुख, मुझे सच बताइए। आई प्रॉमिस कि ये सच मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। द रोमांस किंग शिवान सिंह ओबेरॉय रियल लाइफ में भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। हर साल वो सेंटा बनकर जाते हैं ऑर्फनेज में और बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट बांटते हैं। वैसे गलती मेरी थी जो मैंने एक फिल्म रिपोर्टर पे ट्रस्ट किया। सुनाओ प्लीज, एक्सक्यूज मी। इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन क्या करूं, मैंने शिवांश को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके ड्रीम के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आई रियली होप कि एक दिन तुम समझ जाओगी कि तुम ऐसे सबको कितना गलत समझती हो। ऑफिसर, ऑफिसर, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ सब हो गया, अब हमारे केस पे आ रहे हैं। okay.
अब अगर मेरे साथ रहेंगे ना तो सबकी निगाहें हम पे रहेंगी, ठीक है? पर ये मेरे काम बहुत मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से। आप प्लीज जाइए ना, आपके फैंस के साथ फोटोज खिंचाइए और बेहतर होगा आप मुझसे थोड़ा दूर रहे। लेकिन मेरे केस का क्या होगा, पुलिस ट्रेनिंग का क्या होगा? कश्मी हाँ मैम, नहीं श्रीमान, Are you all ready to welcome 2019? Friends, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स बाकी है। So you know कि नया साल शुरू होते ही जब सबसे पहले आप जिसका चेहरा अपने सामने पाते हो वही बंदा हर साल आपके सामने रहता है। So are you all ready to welcome 2019 guys? लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे। हर किसी को अपनी अपनी विश एक पेपर पर लिखकर इस बॉक्स में डालना है। मिस्टर शिवांश सिंह ओबेरॉय, वुड यू प्लीज कम एंड जॉइन अस हियर विथ योर डेट? और आप भी सारे यूनिवर्स को अपनी विश बताएंगे। कागज पर लिख देने से अगर कोई विश पूरी होती फिर तो मैं बचपन से क्या कुछ क्या हम ये जल्दी पूरा कर ले, मुझे गजनी को भी ढूंढना है। अगर सच में कागज पे लिख के मेरी विश पूरी हो सकती है तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बाबा के साथ क्या हुआ था। बाबा, इसने बाबा क्यों लिखा? आपका हो गया? एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ। मिस्टर ओबेरॉय, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरने से पहले मैं अपने शिविका मेमोरियल हॉस्पिटल के सपने को सच करना चाहता हूँ, जिसमें हर बच्चे का मुफ्त में इलाज हो, और उसके लिए मुझे ये 500 करोड़ चाहिए। मेरी विश है कि आप मुझे हक करें। क्या आप मेरी विश पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स। नया साल शुरू होते ही जिसका चेहरा आप सबसे पहले देखो वो पूरे साल आपके साथ रहता है, इसलिए मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। आपका अगर हो गया हो तो हम वो कर ले जिसके लिए हम आए हैं। ऐसे सब एक सेल्फी। ओके। स्माइल। यस यस। ये भी डाल देते हैं। लोग खुशियाँ मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, एटलीस्ट वो मांगते हैं जो उनके पास नहीं होता। लेकिन इसने क्या मांगा? 500 करोड़? इतने पैसे हैं, फिर भी पैसे की कितनी भूख है इस आदमी को। बेहतर होगा मैं इससे दूर ही रहूं, वरना अगर नया साल शुरू होते ही अगर मेरे साथ रहा और मीडिया ने हमें साथ में देख लिया तो बेकार में उल्टी सीधी स्टोरीज बनाएंगे। बजने वाले हैं, मुझे एसएसओ को ढूंढना होगा। ओह गॉड, इस लड़की ने मुझे फिर से देख लिया तो चेप हो जाएगी।
इस रायता क्रिएटर से दूर रहने में ही भलाई है। ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? So, ladies and gentlemen, 2019 का countdown शुरू हो गया है और इस New Year Eve को और interesting बनाने के लिए हमने lights dim कर दिए। So guys, अभी आप लोग अपने partners को अंधेरे में ढूंढ लीजिए, फिर आप पूरा साल उसी के साथ बिताएंगे। देखा? अंधेरे में भी ढूंढ लिया ना आपको, अब बस कुछ ही सेकंड में हम एक दूसरे को देखते रहेंगे और फिर पूरा साल साथ रहेंगे। क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो सच में चेप हो गई। इससे पीछा कैसे छोड़ा हूं? ओके। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या हुआ? वो कशनी वो यही पड़ता, मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन आप बीच में आ गए। ओके, रिलैक्स, अभी तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब उसने प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, इसका मतलब वो शायद यहीं कहीं है। ओके, एक काम करते हैं, हम दोनों उसे ढूंढते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। आप उस तरफ जाओ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मिस्टर ओबेरॉय, वन मिनट। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ आके केक कटिंग करें। यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ने आई हूँ और आपकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। चिंता मत करो, बस केक काट ली, उसके बाद तुम्हारे आमिर खान को भी ढूंढ लेंगे। आमिर खान? गजनी, सिर्फ 2-3 मिनट की बात है। 2-3 मिनट? आपको टाइम की जरा भी वैल्यू है मिस्टर ओबेरॉय? 2-3 मिनट में ना दुनिया इधर की उधर हो सकती है। एक्सक्यूज मी, फिल्में नहीं है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में 2-3 मिनट में तो ट्रैफिक भी नहीं हिलता, इंसान सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो जस्ट चिल। क्यों, अगर ये फिल्म होती है, मेरी दुनिया होती है, तुम्हारे केक काटते ही ऊपर से डेड बॉडी गिरती है। व्हाट? कम। मिस्टर ओबेरॉय। हनी? कौन हनी? हनी मेरा स्टाइलिस्ट, मेरी माँ की बहुत बड़ी फैन है। हेलो नाना, बैकअप भेजो होटल ग्रैंड। अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज आप जाइए यहाँ से। प्लीज मिस्टर ओबेरॉय, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द डेड बॉडी। प्लीज, बॉडी नहीं है ये, हनी है। मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाइए। प्लीज, यू हैव टू गो। Thank you.
हनी की माँ अभी भी हॉस्पिटल में है। ये उनके हॉस्पिटल बिल्स के लिए। उनसे कहना कि उनका एक बेटा चला गया है, लेकिन एक बेटा अभी भी है। उनकी हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है। कहना उनसे भैया जी ऊपर वाले ने ठीक नहीं किया। एक बेटे से माँ छीन जाती है तो फिर भी बेटा एक वजह ढूंढ लेता है जीने का, लेकिन जब माँ से बेटा छीन जाता है ना तो माँ पूरी तरीके से टूट जाती है। भैया हमें पता चला हनी के बारे में, यकीन ही नहीं होता। हनी तो सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का था ना, कोई उसकी जान क्यों लेगा। Yes, please. इस बारे में घर में कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि अगर पीडी और पीएन को पता चल गया ना तो वो दोनों अपसेट हो जाएंगे। और तुम दोनों तो जानते ही हो ना, पापा के गुजरने के बाद पीडी हर बात को लेकर कितना परेशान हो जाती है, खासतौर से अगर वो बात मेरे और आनी के बारे में हो तो। आई नो भैया, आप और आनी पीडी की वीकनेस हो। एंड यू नो भैया, हमें चीज से बिल्कुल भी जेलस फील नहीं होता, क्योंकि वी नो आप दोनों उनकी कमजोरी हो और हम दोनों आपकी। किधर? आनी का फोन? एक लड़की थी शिवानी सी, अपने भैया से वो प्यार करती थी और दोनों बाकी बचे भाई बहनों का प्यार चोरी किया करती थी। कौन है? हानी मेरा बेबी, कैसा है तू? नहीं तेरी तेरी फिर से बोला, आवाज नहीं आ रही मुझे। तेरी आवाज ओम चाचू की था। ओम चाचू? अरे रूढ़ी गौरी चाची कौन बोल रहा है? अरे मुझे बताओ यार, चाचू आप दोनों ना, आप दोनों लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स। हाँ, और ये आप दोनों के जो मस्करे हैं ना, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, बन पाएंगे क्या लगता है आपको? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? जो मेरे समझ में आया कुछ ऐसा है, सच्चे मन से कोशिश करो ना तो फल जरूर मिले, ऐसा ही कहा ना हमने चाचू। अरे आनी आनी, हाँ बता, तू क्या बता रही थी? What? अब क्या हुआ? क्या हुआ भैया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।